तो यार आज हम सर्वाइव करने वाले 50 डेज इस खतरनाक आइलैंड पे, वो भी हार्डकोर में, जहाँ पे रिसोर्सेज के नाम पे हमारे पास बस दो पैर है और हमारे पास 3 गोल भी है, जो इसे आगे चल के और भी ज्यादा डिफिकल्ट बनाने वाला था। पहला गोल फुल्ली इंसेंटेड डायमंड आर्मर एंड टूल्स बनाना, दूसरा गोल एक ऑसम सा हाउस बनाना और तीसरा गोल पूरे आइलैंड को ट्रांसफॉर्म करना। मैं हूं एरकॉक और ये है मेरा दोस्त विजी गेमिंग। वेलकम बैक टू सर्वाइवल आइलैंड सीजन 2 पार्ट 1। तो डे 1 में हमने ज्यादा टाइम गवाने के बजाय जल्दी जल्दी दोनों पैरों की कुटाई कर दी, क्योंकि हमें बहुत सारे लकड़ियों की जरूरत है और हमें रात होने से पहले अपने रिसोर्सेज को इकट्ठा करना पड़ेगा, वरना रात को बहुत सारा ज़ॉम्बीज आने वाला है, क्योंकि ये है हार्डकोर। उसके बाद मैंने सीड ढूंढना स्टार्ट किया ताकि खेती कर सकूं, लेकिन बदकिस्मती से मेरे को पूरे आइलैंड में सिर्फ 2 ही सीड मिला, तो मैंने जल्दी से उनको प्लान कर दिया ताकि जल्दी से ये ग्रो हो जाए और हमें खाने की ज़रूरत पड़े तो हम इसका यूज़ कर पाए। उसके बाद हमने एक माइनिंग एरिया बनाया ताकि हमें माइनिंग से आने जाने में थोड़ा सा इजी हो जाए। और फाइनली हम अपना पहला रात बिताते हैं रोटेन फ्लैश खाने के साथ, क्योंकि हमारे पास और कोई खाना अभी फिलहाल अवेलेबल नहीं है और मेरा स्पीड भी बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। वो तो अच्छा हुआ कि विजी ने मेरे को एक ज़ॉम्बी मार के उसका फ्लैश ला के दे दिया, भाई खाना पड़ रहा है, बट क्या कर सकते हैं अभी। The next day. और इसी के साथ हम अपना पहला रात सर्वाइव कर लेते हैं रोटेन फ्लैश खाने के साथ। लेकिन उसके बाद सुबह होते ही मैं डिसाइड करता हूँ कि मैं माइनिंग पे जाऊँगा और बहुत सारा आयरन इकट्ठा करूँगा, लेकिन उसके लिए मेरे को टॉर्चेस की ज़रूरत है। तो मैं विजी को बोल देता हूँ कि जाओ और कोल लेके आओ, तो वो पानी के अंदर डुबकी लगा देते हैं, बिकॉज नीचे बहुत सारा कोल का और था, तो वो जल्दी से मेरे को कोल ला के दे देते हैं, ज़्यादा नहीं बहुत कम कोल रहता है वो। कुछ टॉर्चेस बनाने के बाद मैं चला जाता हूँ माइनिंग करने के लिए एक एक कैप के अंदर, और तब तक विजी को मैं बोल देता हूँ कि वो इस आइलैंड को थोड़ा बहुत टेराफॉर्म कर दे। फाइनली लगभग एक घंटे से भी ज़्यादा टाइम माइनिंग करने के बाद मेरे को बहुत सारा सामान मिल जाता है, लाइक काफ़ी सारा आयरन मिल जाता है, कोल मिल जाता है, रेडस्टोन मिल जाता है, लेफिट्स लजूली मिल जाता है, और फिर मैं फाइनली खुद के लिए आयरन आर्मर बना लेता हूँ एंड टूल्स बना लेता हूँ, और फाइनली मैं अपग्रेड कर लेता हूँ खुद को आयरन में प्रॉपरली, और उसके बाद मैं विजी के लिए भी आयरन आर्मर एंड टूल्स बना लेता हूँ। विजी ने लगभग आइलैंड को टेराफॉर्म कर दिया था, तो मैं जल्दी से उसको उसका आर्मर एंड टूल दे देता हूँ, और कुछ आयरन बचे हुए थे वो भी दे देता हूँ ताकि वो चीज़ें बना सके, और फिर मैं उससे खाना मांगता हूँ, लेकिन उसका ये रिप्लाई आता है, नहीं मतलब ये बंदा इतने टाइम से कर क्या रहा था भाई इधर, हाँ मेरे को लगा था ये बहुत बड़ा फार्म वगैरह बना रहे होंगे, मैं इतने टाइम से माइनिंग पे हूँ, लेकिन नहीं भाई, ये तो पता नहीं क्या कर रहा था भाई, ये बंदा कर क्या रहा था ये इतने टाइम से, बट खैर कोई बात नहीं यार। फिर से मेरा स्पीड ख़त्म हो चुका था क्योंकि मेरे पास खाना नहीं था, ऊपर से रात हो चुका था, लेकिन तभी मेरे को एक स्केलेटन दिखता है पानी के नीचे, तो मैं जल्दी से उसको ख़त्म कर देता हूँ, और उससे बोन मिल लाने के बाद मैं जल्दी से अपने कॉप्स को उगाता हूँ, एंड उसके बाद फाइनली इस आइलैंड में मैंने अपना पहला ब्रेथ खाया। भाई साहब मेरा जान निकल गया था भाई, मैं मरने वाला था लिटरली, इस ब्रेथ ने मेरे को बचा लिया ब्रो। उसके बाद हमने एक कंपोस्टर बना के बहुत सारा वीट उगाया और हमने अपने खाने के प्रॉब्लम को फाइनली ख़त्म कर दिया। पता नहीं अभी तक हमारे दिमाग में ये आइडिया क्यों नहीं आया था। और फिर मैं माइनिंग पे चला गया क्योंकि हमें बहुत सारा स्टोन चाहिए था, क्योंकि हमें बनाना था एक बड़ा सा मॉप फार्म। माइनिंग करने के बाद मेरे को जब भी भूख लगता था तो मैं ये ज़ॉम्बीज को मार देता था और फिर उनके फ्लैश खा लेता था। भाई कितना क्रूएल लग रहा है ये सुनने में। उसके बाद हमने एक नॉर्मल सा मॉप फार्म बनाया, ये रहा उसका टाइम लैप्स। तो यार फाइनली हमारा मॉब ग्राइंडर बन चुका था और ये काफ़ी अच्छे से काम भी कर रहा था, तो हम लोग बहुत ही ज़्यादा खुश थे। उसके बाद विजी ने बोला कि उसे ऑप्सीडियन माइन करने जाना है, तो मैंने बोला कि जाओ भाई फिर अच्छी बात है। तो जब तक विजी ऑप्सीडियन माइन करने जा रहा था तब तक मैंने डिसाइड किया कि मैं भी अपने खाने के जो प्रॉब्लम है उसको बिल्कुल ख़त्म करने वाला हूँ एक बहुत ही प्यारे से विथ फार्म को बना के। लेकिन विथ फार्म बनाने से पहले मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, और वो काम था इन दोनों मुर्गियों का शादी करवाना। या मैंने इन दोनों मुर्गियों का शादी करवा दिया, बाय द वे ये दोनों ही विजी का मुर्गी थी, तो इसका मतलब विजी ब्रो नाना बन गए हो तुम। (laughs)
और अब फाइनली हमारा वीट पम्प बन के रेडी हो गया था, यानी हमारे खाने का प्रॉब्लम अब बिल्कुल 100% सॉल्व हो चुका था। विजी अभी तक माइनिंग से आया नहीं था, तो मैंने पहले तो बहुत सारे मॉब्स को मारा मजे के लिए। ऑब्वियसली मेरे को एक्सपी की अभी कोई ज़रूरत नहीं था। उसके बाद मैंने इस बिचारे से एंडरमैन को तंग करना स्टार्ट किया, पता नहीं क्यों, मैं क्यों कर रहा हूँ ये सब, आई डोंट नो। और फिर मैंने देखा कि विजी वापस आ गया है, और वो मेरे को बोल रहा था कि पंगा मत लो इस एंडरमैन से, बट मेरे को तो सुल मच गई थी बहुत, तो मैंने बार बार पंगा लिया इस बिचारे एंडरमैन से। और एक टाइम पे आके एंडरमैन ने मेरे को एंड ही कर दिया था मेरा जर्नी, बट फिर विजी ने बचा लिया मेरे को। क्यों करता रहता भाई मैं ये सब पता नहीं। और फिर ऑब्सीडियन मिलने के बाद हमने स्टार्ट कर दिया अपने नेदर पोर्टल को बिल्ड करना, जो कि बहुत ही मस्त लगने वाला है, तो टाइम लैप्स एंजॉय करो। और अब था भयानक से नेदर के अंदर एंट्री लेने का। लेकिन नेदर जाने के लिए आप लोगों को पता ही होगा दो चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, पहला तो खाना, दूसरा गोल्ड। तो विजी को मैंने भेज दिया गोल्ड लाने, क्योंकि वो हार्ट कम था बहुत ज़्यादा, तो विजी को करने के लिए भेज दिया। और सबसे आराम काम था बस ब्रेड बनाना, जो मैंने कर लिया। दिमाग तो है वैसे उसमें। एंड तभी मेरे को ये प्यारा सा डोगू दिख गया, डोगू, तो मैं जल्दी से अपने एक्सपी फार्म में गया, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारा हड्डी पड़ा हुआ था, मेरे को पता था ये बात, तो मैंने जल्दी से वहाँ से हड्डी उठाई। एंड फाइनली मैंने इस प्यारे से डोगू को अपना फ्रेंड बना लिया। भाई चौप कितना क्यूट है ये देखो। और उसके बाद उसके साइड में ही उसका पापा जी भी घूम रहा था, तो मैंने उसको भी अपना फ्रेंड बना लिया। और आप मेरे पास आ गया था दो प्यारे प्यारे डोगू, आयो भाई कितना मस्त है ये। और अब टाइम था नेदर में एंट्री लेने का, तो हम जल्दी से नेदर के लिए रवाना हो गए। तो उसके बाद क्या हुआ उसको आप लोग एक मोंटास में देखो। नेदर में बहुत टाइम तक इधर उधर भटकने के बाद फाइनली हमें एक फोर्ट्रेस मिल गया, तो जल्दी से हमने फोर्ट्रेस को क्लियर करा। भाई साहब यहाँ पर बहुत सारे मॉब्स थे जो हमारे जान के पीछे पड़ गए थे, और हम काफ़ी बार वन हट में बसे हुए इनसे प्रो में, कैसे मेरे को पता नहीं भाई हम कैसे बस गए, बट या अगर हम दो लोग नहीं होते तो शायद नहीं कर पाते ये चीज़। बट या फाइनली हमने एक ब्लेज स्पॉनर ढूंढ लिया, और फिर हम ब्लेजेस को फार्म करना स्टार्ट कर दिया। हमने बहुत सारे ब्लेजेस को मारे, और काफ़ी सारे हमने ब्लेज रोट इकट्ठा करा। एंड सच्चे बताओ ये बहुत मस्त था भाई, बहुत ही सही लग रहा था ये करके। ओवरऑल में वापस आने के बाद क्योंकि रात हो रहा था, तो हमें दो जोम्बी ब्लेजर्स मिल गया। बेसिकली तीन जोम्बी ब्लेजर्स थे, लेकिन एक को मैंने मार दिया था क्योंकि वो मेरे जान के पीछे पड़ गए थे बहुत गंदी तरीके से। फिर हमने दो को पकड़ लिया, एंड जल्दी से हमने उनके लिए एक बक्सा टाइप का घर बना दिया, ताकि रात जैसे ख़त्म हो तो वो लोग जल के मर ना जाए। सुबह सुबह होते ही हरिशद्दी भाई ने गुड मॉर्निंग बोल दिया, तो मैंने भी उनको रिटर्न में गुड मॉर्निंग ही बोल दिया। उसके बाद विजी ने मेरे को एक बहुत ही टेंशन वाली बात बता दी। दरअसल पोर्शन ऑफ वीकनेस बनाने के लिए हमें शुगर सही होता है, और शुगर ऑब्वियसली शुगर कैन से बनता है, जो कि इस आइलैंड में नहीं था हमारे पास, तो इसका मतलब हमें शुगर कैन लाना पड़ेगा। तो उसके बाद मैं चला गया एक बोट बना के एक्सप्लोर करने, ताकि मेरे को शुगर कैन मिल सके। एंड मेरा लक्स कुछ ज़्यादा ही खराब था, क्योंकि मैं लगभग 500 से 600 ब्लॉक ट्रैवल करने के बाद भी मेरे को कुछ नहीं मिल रहा था। 2000 years later. लगभग 1000 ब्लॉक ट्रैवल करने के बाद मेरे को शुगर कैन मिल गया, लेकिन एक बहुत ही वियर्ड सी आइलैंड के ऊपर। बेसिकली 3-4 सैंड के ब्लॉक प्लेस हुए थे, और उसके ऊपर शुगर कैन उग रहा था। भाई कुछ भी हो रहा है इस सीट के अंदर, बट लेकिन ये तो कुछ भी नहीं था। उसके बाद ही मेरे को एक शिपरेक दिखा, एंड मेरे को थोड़ा सा अच्छा लगा कि यार भाई शिपरेक मिल गया, चलो लेट्स गो। बट वाट जैसे ही मैंने इस शिपरेक के अंदर एंटर किया, मेरे को एक सेस्ट मिला, एंड सेस्ट के अंदर क्या था मेरे को पता नहीं था, क्योंकि मैंने जल्दी से इसको तोड़ दिया था। लेकिन जैसे ही मैं बाहर आया सारा कुछ इकट्ठा करके, फिर मेरे को पता चला कि इस सेस्ट के अंदर लिटरली 3 डायमंड्स थे। ब्रो 3 डायमंड्स थे इस चेस्ट के अंदर।
भाई पहली बार मेरे को शिपरेक के अंदर के सेस में 3 डायमंड मिला है ब्रो। और हमें पोटैटो के सीड भी मिल गया था इस सेस के अंदर से, इसका मतलब अभी हम दूसरे टाइप की चीजें भी उगा सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। आइलैंड में आने के बाद मैंने जल्दी से शुगर कैन दे दिया विजी को, ताकि वो जल्दी से पोशन बना सके और हम विलेजर को क्योर कर सके, बिकॉज हमारे पास ज़्यादा टाइम अब बसा नहीं था। जल्दी से हमें डायमंड आर्मर भी ट्रेड करना था विलेजर से। मैं जब शुगर कैन लाने गया था तो तब विजी ने बहुत सारे स्पाइडर को मारा फार्म में और हमारे लिए 2 बेड बना लिया, तो मैंने जल्दी से अपना रिस्पॉन पॉइंट सेट कर लिया। खैर इसका कोई काम है नहीं क्योंकि ये हार्डकोर है, अगर मर गया तो वैसे भी पूरा वर्ल्ड ही डिलीट हो जाएगा, क्या ही फायदा है। विलेजर्स को पोशन देने के बाद अब टाइम आ गया था अपने लिए एक मस्त सा घर बनाने का, लेकिन घर बनाने के लिए सही होता है वुड। स्टोन तो हमारे पास बहुत सारा पड़ा हुआ था लेकिन वुड नहीं था, तो उसके बाद मैंने बहुत सारा वुड इकट्ठा करा और फिर हम दोनों ने मिलके एक घर बनाना स्टार्ट किया, जो कि बहुत ही बड़ा और ब्यूटीफुल दिखने वाला था। तो ये रहा उसका टाइम लैप्स, आप लोग इन्जॉय करो। सो फाइनली हमने अपना घर बना लिया था एंड ये बहुत ही सही लग रहा था देखने में। हमारे आइलैंड के थीम के साथ मैच भी हो रहा था और देखने में भी काफ़ी ठीक ठाक सा लग रहा था। हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं था तो इसीलिए हमने ज़्यादा कुछ क्रिएटिविटी दिखाई नहीं, नॉर्मल सा एक घर बनाया जिससे कि हमारा काम बन जाए। और घर के अंदर ही हमने विलेजर्स के लिए भी 3 चैम्बर बना दिया, जहाँ पर कि 3 विलेजर्स को हम लोग रखने वाले थे, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक और यहाँ पर एक। तो बेसिकली 3 विलेजर्स यहाँ पर रहने वाले थे। टोटल 3 फ्लोर का घर था, नीचे वाले फ्लोर में विलेजर्स को रखा था और स्टोरेज और क्राफ्टिंग एरिया बनाया था, दूसरे वाले फ्लोर में हमने सोने का जगह बनाया बेडरूम, एंड थर्ड फ्लोर में एकदम ऊपर वाले फ्लोर में हमने पोशन एरिया और थोड़ा बहुत स्टोरेज, एंड सबसे इम्पोर्टेंट हमने अपने लिए एक इंसानमेंट एरिया के लिए जगह बना रखा था। और फिर मैंने विजी को मुर्गी के अंडे से मारा और इसमें बहुत मज़ा आया, लेकिन फिर विजी मेरे जान का दुश्मन बन गया था और इसी बात पे हम दोनों में थोड़ा बहुत लड़ाई हो गई। तो हम दोनों ने थोड़ा बहुत पीवीपी कर लिया, यस वो भी हार्डकोर में, हम लोग पागल हो चुके आई नो, बट फिर दोनों ने एक एक हार्ट में दोनों को सोर दिया, यस ही। क्या कर रहे थे हम लोग पता नहीं। उसके बाद विलेजर्स की ओर हो चुके थे तो जल्दी से हमने अपने घर के अंदर उनको ट्रांसफर किया, ताकि आप हम उनसे ट्रेड कर सके। और फिर हमने उनसे बहुत सारा ट्रेड करके हमने अपने डायमंड टूल्स एंड आर्मर कलेक्ट कर लिया, एंड ये देखने में बहुत इजी लग रहा है लेकिन ये करने में हमारा जान निकल गया। और सच्ची बता रहा हूँ, इससे पहले मैंने इतना ट्रेडिंग कभी नहीं किया था, भाई साहब क्या करना पड़ रहा है मेरे को। और इसी तरीके से फाइनली हमने अपना डायमंड आर्मर एंड टूल्स कम्प्लीट कर लिया था, वो भी इंसान्टेड वाला, एंड भाई साहब ये जो मोमेंट था ना, ये सबसे सेटिस्फेक्शन वाला मोमेंट था इस पूरे जर्नी में, एंड भाई बहुत मज़ा आया। तो अगर आप लोग को पसंद आया ये जर्नी, हम दोनों ने एक छोटा सा ट्राई करा कुछ नया करने का, अगर अच्छा लगा हो आप लोगों को दैन प्लीज़ लीव अ लाइक, एंड अगर आप लोग चाहते हो कि ये जर्नी हम लोग ऐसे ही आगे भी कंप्लीट करते रहे, ऐसे ही कंटिन्यू करते रहे, तो फिर आप लोग इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट में बोलो पार्ट 2, तो हम इसका पार्ट 2 भी ज़रूर बनाएंगे। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक और मजेदार वीडियो में। मैं हूँ इरको कैन।